नमस्कार दोस्तों, टारगेट भी तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में मैं अंकेश पांडे भारतीय अर्थव्यवस्था विषय के साथ आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक की, क्या अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी। अर्थव्यवस्था विषय में अनएम्प्लॉयमेंट एक महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। हमारे सुपर टेट के एग्जाम में प्रायः अगर अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो दो चार टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे एग्जाम में प्रायः क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे बेरोजगारी, गरीबी, राष्ट्रीय आय, बजट से रिलेटेड प्रायः क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते रहते हैं दोस्तों। क्योंकि हमारे सुपर टेट के एग्जाम में बहुत कम जीएस का पोर्शन रखा गया है, तो दोस्तों कुछ हम लोग महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण टॉपिक को ही उठा करके पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन से किस तरीके के क्वेश्चन हो सकता है हमारे एग्जाम में आ जाए, यानी हमारे एग्जाम की परीक्षा की पैटर्न कैसी है, उस तरीके से हम लोग प्रश्न को तैयार करेंगे और देखेंगे अर्थव्यवस्था को। बहुत कम सुपरटेट में हम लोगों को क्या है दोस्तों, जीएस का पोर्शन है, एक या दो क्वेश्चन किसी ना किसी टॉपिक से हर जगह से बनेगा। तो हम कोशिश ये करेंगे कि चीजों को कंसोलिडेट करके बहुत छोटे में संचित करके आपको अधिक से अधिक चीजें देने की कोशिश करें दोस्तों। हम यह टॉपिक कर लेने के बाद लास्ट में कुछ एमसीक्यूज भी इसी टॉपिक पे इसी वीडियो में कर लेंगे। इसी वीडियो में हम लोग 3-4-5 क्वेश्चन भी कर लेंगे बेरोजगारी से रिलेटेड। आइए शुरुआत करते हैं, बेरोजगारी क्या है, क्यों है, कैसे है, कितने प्रकार है, किसका मापन क्या है, क्लियर है। आइए बेरोजगारी की बात करें यानी अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यह क्या है। अगर इसको परिभाषा की बात करें तो हम इसको कैसे कह सकते हैं, अगर देश का कार्यशील व्यक्ति, अब कार्यशील व्यक्ति क्या है इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लें पहले। कार्यशील व्यक्ति किसे कहते हैं इसको समझते हैं। कार्यशील व्यक्ति, देश के कार्यशील व्यक्ति अगर कार्य को करना चाहे और उनको कार्य ना मिले, वही क्या है, बेरोजगारी है। कार्यशील व्यक्ति क्या है तो उसको समझते हैं। भारत में अगर बात की जाए तो 14 से 60 कहा जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर यही बात कही जाएगी तो यह 15 से 64 वर्ष के बीच कहा जाता है। यानी 15 वर्ष से 64 वर्ष के बीच अगर कोई व्यक्ति है तो वह कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत काउंट किया जाता है, गिनती किया जाता है। बेरोजगारी की बात करें, हम कार्यशील व्यक्ति की बात कर रहे हैं, भारत में कार्यशील व्यक्ति की बात की जाती है तो 14 से 60 के बीच में मान्यता है, और 14 से ऊपर के दोस्तों, 14 वर्ष के नीचे के होते हैं तो हमारे यहां अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बाल शोषण की बातें कही गई हैं संविधान के अंतर्गत। तो हम कार्यशील व्यक्ति की बात करें तो कि बेरोजगारी किसको कहते हैं, अगर कार्यशील व्यक्ति मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ होने पर बाजार की प्रचलित कीमत पर कार्य करने को तैयार हो, बाजार की प्रचलित कीमत पर कार्य करने को तैयार हो, फिर भी उनको कार्य ना मिल रहा हो, व्यक्ति की इस दशा को, इस स्थिति को ही बेरोजगारी कहते हैं। क्लियर है, इसको अगर हम समझे, अगर हम इसको परिभाषा में बोले तो क्या, जब कोई कार्यशील व्यक्ति शारीरिक व मानसिक रूप से तैयार हो और वह बाजार की प्रचलित कीमत पर कार्य करने को तैयार हो और उसको कार्य ना मिल रहा हो और उसको कार्य
न मिल रहा हो, न मिल रहा हो, व्यक्ति की यह दशा, व्यक्ति की यह दशा, व्यक्ति की यह दशा बेरोजगारी कहलाती है। क्या दोस्तों, कि कोई कार्यशील व्यक्ति है, शारीरिक व मानसिक रूप से वह तैयार है किसी कार्य को करने के लिए, बाजार में जो प्रचलित दर है, बाजार में प्रचलित दर की बात करें तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर हम अपने यहां उदाहरण देखें तो हमारे यहां जैसे मकान बनाने वाले लोगों को आप जानते होंगे, जो प्रायः मकान बनाते हैं हमारे यहां, तो उनका एक प्रचलित रेट होता है हर चीज का दोस्तों, सिर्फ मकान बनाने वालों की बात नहीं, हर कार्य के लिए कोई ना कोई रेट फिक्स होता है कि यह इतने रेट में इसका कार्य हो जाएगा, यह कार्य इस कार्य के लिए, किसी कार्य के लिए इतना पैसा लगता है, तो वह रेट मार्केट में तय होता है किसी कार्य को लिए। तो मान लीजिए जैसे घर बनाने वाला क्या है, राजमिस्त्री है, घर बनाने वाला राजमिस्त्री है, कहता है कि 1000 रुपए, अगर कहा जाए कि 1000 रुपए मार्केट में यह चल रहा है कि 1000 रुपए पर डे के हिसाब से मार्केट में रेट चल रहा है कि किसी व्यक्ति को 1000 रुपए, किसी राजमिस्त्री को दिन में 1000 रुपए दिया जाएगा, और वह मिस्त्री कार्य करने के लिए तैयार हो लेकिन उसको रोजगार प्राप्त ना हो रहा हो, यानी ऐसी स्थिति जब आदमी पूरी तरह से मानसिक व शारीरिक रूप से तैयार हो कि हम इस कार्य को करेंगे लेकिन बावजूद वह उस कार्य को प्राप्त ना कर पाए, यही स्थिति बेरोजगारी कहलाती है। आइए दोस्तों देखते हैं बेरोजगारी मूल रूप से कितने प्रकार का होता है। देखिए दोस्तों, बेरोजगारी के प्रकार की बात करें तो यह दो प्रकार का होता है मूल रूप से, बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी के प्रकार की बात करें तो यह मूल रूप से दो प्रकार का, पहला क्या, ऐच्छिक बेरोजगारी, ऐच्छिक बेरोजगारी, दूसरा क्या, अनैच्छिक बेरोजगारी, यानी अनैच्छिक बेरोजगारी, बेरोजगारी। देखिए दोस्तों, दोनों अलग अलग चीज हैं। ऐच्छिक बेरोजगारी के अंतर्गत क्या होता है, ये वॉलंटियरी कोई अनएम्प्लॉयमेंट होता है, यानी जानबूझ करके कोई अनएम्प्लॉयमेंट रहे, वह क्या है, ऐच्छिक बेरोजगारी। हालांकि इस बेरोजगारी को, ऐच्छिक बेरोजगारी को बेरोजगारी के अंतर्गत नहीं रखा जाता, फिर भी हम इसको अगर डिवाइड करने की बात करें कि बेरोजगारी कितने प्रकार के मूल रूप से, तो दो प्रकार के, कितने, दो प्रकार के। देखिए दोस्तों, ऐच्छिक बेरोजगारी में जैसे मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विरासत में धन प्राप्त करते हैं और किसी कार्य को नहीं करना चाहते, और उनके पास बहुत धन होने की वजह से किसी कार्य में वह हाथ नहीं लगाना चाहते, यानी उनकी प्रोडक्टिविटी जीरो होती है। जिनकी प्रोडक्टिविटी जीरो होती है वही बेरोजगार कहे जाते हैं दोस्तों, यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई उत्पादन का कार्य, कोई ऐसा कार्य ना किया जा रहा हो जिसके लिए उनको धन मिल रहा हो, तो वह क्या है, वह बेरोजगार है। अगर इसको टेक्निकली समझा जाए दोस्तों, ऐच्छिक बेरोजगारी और एक दो प्रकार की कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए मार्केट में अभी हमने उदाहरण दिया 1000 रुपए राजमिस्त्री की कीमत चल रही है कि वह दिन का 1000 रुपया ले। कोई कोई मिस्त्री ऐसा होता है कहता है कि नहीं, मुझे एक हजार नहीं, मुझे एक दिन का 1500 चाहिए, तो कोई 1500 जल्दी उसको नहीं देगा, और यह नहीं देने की स्थिति क्या होती है कि वह व्यक्ति अपने आप को, वह राजमिस्त्री अपने आप को जानबूझकर बेरोजगार कर रहा है, क्योंकि हम बाजार पर जो प्रचलित कीमत है 1000 रुपए की उसको देने को तैयार है लेकिन वह व्यक्ति नहीं करना चाहता किसी कार्य को, वह अलग रेट बता रहा है, तो उसकी वजह से यह बेरोजगारी उपलब्ध हो रही है, तो इस बेरोजगारी को ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। देखिए दोस्तों, अनैच्छिक बेरोजगारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर चीजें अनैच्छिक बेरोजगारी से पूछी जाती है हमारे एग्जाम में, क्लियर है। आइए देखिए अनैच्छिक बेरोजगारी क्या है, अनैच्छिक समझते हैं क्या है, अनैच्छिक बेरोजगारी क्या है। अनैच्छिक बेरोजगारी की बात करें तो यह मूल रूप से क्या है दोस्तों, कोई व्यक्ति कार्य को करना चाहता है लेकिन उसको कार्य नहीं मिल रहा है, कोई व्यक्ति कार्य को करना चाह रहा है लेकिन उसको रोजगार नहीं प्राप्त हो रहा है, यही स्थिति अनैच्छिक बेरोजगारी की कही जाती है। भारत के परिप्रेक्ष्य में कहा जाए, भारत को लेकर के कहा जाए, तो भारत की बेरोजगारी की स्थिति को देखा जाए तो यह मूल रूप से दो प्रकार का होता है। जल्दी जल्दी आइए देखते हैं दोस्तों हम लोग क्या, कि भारत में बेरोजगारी की स्थिति को बताएं
भारत में बेरोजगारी की स्थिति, भारत में बेरोजगारी की स्थिति को अगर कहें तो यह दो प्रकार से, पहला कौन सा और दूसरा कौन सा इसको देखते हैं। पहला क्या है, ग्रामीण स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, और इसी को क्या कहते हैं, इसी को ग्रामीण स्तर पर इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं रूरल, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। और एक होता है शहरी दोस्तों, शहरी अनएम्प्लॉयमेंट, शहरी बेरोजगारी। क्लियर है, यह दो प्रकार के, यानी इसको कहेंगे अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। दोस्तों देखिए, ग्रामीण बेरोजगारी की बात करें तो यह ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड होती है। प्रायः यह भी दो प्रकार का दोस्तों, जैसे इसमें कह दे एक बहुत महत्वपूर्ण जिनसे क्वेश्चन प्रायः बनता है दोस्तों, पहला क्या है, छेपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी, या अदृश्य बेरोजगारी। और दूसरा क्या दोस्तों, मौसमी बेरोजगारी, जिसको सीजनल बेरोजगारी कहा जाता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी, बेरोजगारी। दोस्तों देखिए, हमने क्या कहा कि भारत में बेरोजगारी की स्थिति को देखा जाए तो दो प्रकार से मूल रूप से, कौन कौन सा, ग्रामीण एवं शहरी। ग्रामीण स्तर पर कौन कौन, कौन कौन सा दोस्तों, ग्रामीण स्तर पर पहला है छिपी प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी, छिपी प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी। दूसरा क्या है, मौसमी बेरोजगारी, इसको डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, इसको कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। आइए दोस्तों देखते हैं, पहले ग्रामीण स्तर पर बेरोजगारी को समझते हैं, छिपी प्रच्छन्न और अदृश्य समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगर छिपी बेरोजगारी की बात करें तो यह क्या है, छिपी प्रच्छन्न, प्रच्छन्न व अदृश्य, तीनों एक ही चीज है दोस्तों, इसको समझते हैं क्या है, यानी छिपी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, एक ही बेरोजगारी है, इसको समझते हैं क्या है दोस्तों। बात की जाए, मान लीजिए हम कह दें यह एक प्लॉट है, हम कह दें यह जमीन का एक टुकड़ा है, इस जमीन के टुकड़े पर अगर हम इस जमीन की उर्वरा क्षमता की बात करें, कह दें कि यह 100 कुंतल गेहूं, 100 कुंतल गेहूं उत्पादित करता है, कौन, यह प्लॉट, और इस प्लॉट में 5 आदमी काम करते हैं, इस प्लॉट में 5 आदमी काम करते हैं और 100 कुंतल गेहूं उत्पादित करते हैं एक सीजन में। हम कह दें कि इसी प्लॉट में अगर एक व्यक्ति को और जोड़ दिया जाए, इसमें +1 एक व्यक्ति को कर दिया जाए और इसकी उत्पादकता में कोई बढ़ोतरी ना हो, यानी कोई प्रभाव ना पड़े, यह 100 कुंतल का 100 कुंतल रह जाए। क्लियर है, हम कह रहे हैं कि इस प्लॉट में 100 कुंतल गेहूं की उत्पादन हो रही है, किसी एक व्यक्ति को जोड़ दिया जा रहा है तो उस व्यक्ति के जोड़े जाने पर कोई उत्पादकता नहीं बढ़ रही है, तो इसको हम कहेंगे इस जो एक व्यक्ति की क्या है, सीमांत उत्पादकता, सीमांत उत्पादकता, सीमांत उत्पादकता क्या है, 0, यानी इसको कहते हैं इंग्लिश में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है, 0 है, किस व्यक्ति की, यह जो एक व्यक्ति जुड़ा इसमें। तो यहां पर छिपी अर्थव्यवस्था में देखा जाता है कि कोई व्यक्ति कार्य करता हुआ प्रतीत होता है, कोई व्यक्ति कार्य करता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में उसके कार्य की कोई वैल्यू नहीं होती। एक लाइन में अगर कहा जाए कि ऐसा कार्य जिसमें किसी व्यक्ति के होने ना होने से कोई फर्क ना पड़े, वही छिपी प्रच्छन्न अदृश्य बेरोजगारी कहलाती है। क्लियर है दोस्तों, छिपी प्रच्छन्न अदृश्य की बात की जाए तो ऐसा कार्य जिसमें किसी व्यक्ति के होने ना होने से अगर कोई प्रभाव ना पड़े तो वह व्यक्ति छिपी बेरोजगारी का, या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी का, या फिर अदृश्य बेरोजगारी का हिस्सेदार होता है, हिस्सा माना जाता है। क्लियर, आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या था, नेक्स्ट क्या था, मौसमी बेरोजगारी।
मौसमी बेरोजगारी को समझते हैं, सीजनल मौसमी बेरोजगारी को थोड़ा सा समझते हैं। मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत दोस्तों हम कह दें जैसे कि वही प्लॉट है, इस प्लॉट में अगर हम बात करें कि 5 व्यक्ति काम कर रहे हैं, ये लगातार साल भर मान लीजिए काम नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि आज की स्थिति की बात करें दोस्तों, तो भारत वर्तमान में ऐसा देश है आजादी के इतने साल बाद भी हम कहीं ना कहीं यह देखते हैं कि भारत की पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ कई ऐसे राज्यों को छोड़ करके आज भी हमारे यहाँ जल की संसाधन, जल जो हमारे यहाँ खेतों में दिया जाता है वह आज भी उसकी बहुत कमी है। यानी हमारे यहाँ जो आज की खेती है मौसम पर आधारित है। मौसम पर आधारित होने के कारण जब मौसम होता है तो लोग वह जो खेतों में काम कर रहे होते हैं उनके पास रोजगार होता है, लेकिन जब मौसम नहीं होता तो ऐसी स्थिति में क्या होता है दोस्तों, वह रोजगार उनके पास नहीं होता। मौसम, मौसमी बेरोजगारी यही होता है। मौसम के होने पर अगर किसी के पास रोजगार है तो वह रोजगार है, उसको बेरोजगार नहीं कहा जाएगा, लेकिन जब वह मौसम खत्म तो उसके पास क्या हो जाता है, कार्य नहीं होता, कोई वर्क नहीं होता, जॉब नहीं होता, तो वह क्या है, बेरोजगार है। क्लियर है? आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, क्या शहरी बेरोजगारी। देखिए दोस्तों हम भारत में बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, भारत में ग्रामीण को समझे, अब समझते हैं शहरी बेरोजगारी क्या है। शहरी बेरोजगारी, अगर शहरी बेरोजगारी की बात करें यानी अर्बन, क्या अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यह भी दो प्रकार से, यह क्या है, एक होता है दोस्तों औद्योगिक बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी, और एक होता है दोस्तों शिक्षित बेरोजगारी, एक होता है शिक्षित बेरोजगारी। देखिए दोस्तों औद्योगिक और शिक्षित को थोड़ा सा समझते हैं। औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है दोस्तों देखते हैं, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहां पर क्या होता है, जैसे हमारे देश में ज्यादातर इंडस्ट्री, ज्यादातर उद्योग कहां पर है, शहरों के नजदीक। अच्छा क्यों है, क्यों शहरों के नजदीक है दोस्तों, जो भी उद्योगपति होते हैं तो उनकी सोच, उनकी विचार ये होती है कि हमारे कल कारखानों के लिए अच्छे से अच्छा व्यवस्था मिले, यानी सड़क, बिजली, पानी आराम से मुहैया हो जाए, और यह चीजें, यह जो बेसिक नीड्स है शहरों में बड़े आराम से मिल जाती हैं, इसकी वजह से कोई भी कल कारखाना शहरों के नजदीक लगाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरों की तरफ जब पलायन करते हैं, शहरों की तरफ जब जाते हैं दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों से जब लोग शहरों की तरफ पलायन करते हैं क्या करने के लिए, औद्योगिक घरानों में, औद्योगिक कंपनियों में, किसी कल कारखानों में कार्य करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि सारे के सारे व्यक्तियों को जॉब नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता, क्योंकि बात की जाए कि अगर सारे के सारे लोगों को यह जॉब क्यों नहीं मिल पाती, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और किसी भी कल कारखाने की, किसी भी औद्योगिक घरानों की क्या होती है, किसी भी चीज की लिमिटेशन होती है, किसके लिए, जॉब के लिए, काम के लिए, वर्क के लिए। यानी किसी उद्योग घराने में या फिर किसी कंपनी में जॉब की भी लिमिटेशन होती है दोस्तों। जॉब की लिमिटेशन होने की वजह से सारे के सारे लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता, और यही लोगों का शहरों की तरफ बढ़ना, उद्योगों में काम ढूंढना और उनको ना मिल पाना ही क्या है, औद्योगिक बेरोजगारी है। क्लियर है? आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट, शिक्षित बेरोजगारी यानी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। यह बड़ी खतरनाक बेरोजगारी है दोस्तों। आज के डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिक्षित बेरोजगारी के मार को झेल रहे हैं, शिक्षित बेरोजगारी के दंश को झेल रहे हैं। क्लियर है? जैसे शिक्षित बेरोजगारी की बात करें कि क्या होता है शिक्षित बेरोजगारी, जैसे हम किसी कार्य को करने के लिए योग्य हैं,
किसी कार्य को करना जानते हैं फिर भी हमको रोजगार नहीं प्राप्त हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में अगर शिक्षा की बात की जाए तो वह एकमात्र उपाधि परक शिक्षा होकर रह गई है। हमारे यहां व्यावसायिक शिक्षा की बात की जाए तो यह बहुत कम हो गया है दोस्तों। व्यावसायिक शिक्षा हमारे यहां बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलता है। इसकी वजह से हमारे यहां क्या हो गया है दोस्तों, शिक्षित बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई। हमारे यहां की शिक्षा क्या है, ज्यादातर उपाधि परक होकर रह गई है। जैसे हमारे यहां बीए, बीएससी, बीएड, बीकॉम करके, एमकॉम करके हमारे यहां लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, लेकिन व्यवसाय किसी और क्षेत्र में होता है। क्लियर है? आइए दोस्तों एक नई बेरोजगारी पढ़ते हैं जो हमारे देश में वर्तमान में सर्वाधिक है। क्या? आइए देखते हैं क्या, संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी की बात करें तो यह क्या है, इसको समझते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी भारत में वर्तमान में यह बेरोजगारी सर्वाधिक है दोस्तों। सर्वाधिक क्या है, बेरोजगारी कौन सी, संरचनात्मक। अगर इसकी बात करें दोस्तों तो यह कैसे समझेंगे इसको, अगर हम कह दें, देखिए दोस्तों, जब जॉब के होने पर भी किसी को रोजगार ना मिले, जैसे हम कह दें कि मान लीजिए इसी संस्थान की बात करें, टारगेट विथ आलोक में जॉब की जरूरत है लोगों को, मान लीजिए कह दे कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब यहां पे खाली है, लेकिन कोई उस कार्य के लिए योग्य नहीं है। जैसे हम कह दें कि यहां पर आईटी के सेक्टर में, हमारे यहां मान लीजिए कह दें कि आईटी के सेक्टर में जॉब है, लेकिन यहां पर व्यक्ति तो है और यह कार्यशील भी है, यह कार्य कर सकता है किसी कार्य को, लेकिन वह इस जॉब के लिए फिट नहीं बैठता है। यह व्यक्ति इस जॉब के लिए फिट नहीं बैठता, और यह जो फिट ना बैठना है, क्या किसी कार्य के लिए कोई व्यक्ति होने के बावजूद वह उस कार्य को नहीं जानता हो, किसी कार्य को ना जानना ही संरचनात्मक बेरोजगारी का हिस्सा है। यानी हम कह दें कि इसको हम कह सकते हैं कि मिसमैचिंग। अगर एक शब्द में इसको समझना हो कि आखिर संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है, तो किसी व्यक्ति को अगर कोई कार्य ना आ रहा हो और किसी क्षेत्र में जॉब है, आईटी के सेक्टर में बहुत सारे जॉब है, लेकिन हमारे यहाँ की जो एजुकेशन प्रणाली है, एजुकेशन सिस्टम है, वह क्या है, ज्यादातर उपाधि परक है। जैसा कि यह शिक्षित बेरोजगारी का ही लगभग हिस्सा होता है, क्या, संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी में योग्यता होने, नौकरी होने के बावजूद नौकरी ना कर पाना किसी का क्या है, संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी के अंतर्गत अगर कहा जाए तो भारत में वर्तमान में संरचनात्मक बेरोजगारी सर्वाधिक है। कि इसका मतलब क्या है कि भारत में लोगों को व्यावसायिक शिक्षा कम मिलती है, यहां पर उपाधि परक शिक्षा ज्यादा फोकस्ड होती है। क्लियर है? संरचनात्मक बेरोजगारी बहुत ही साधारण सा इसका एग्जाम्पल ये है कि कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई संस्थान में अगर इतिहास पढ़ाने के लिए किसी टीचर की आवश्यकता है, लेकिन कोई व्यक्ति बहुत एजुकेटेड है कंप्यूटर लाइन में और वह उस जॉब को करना तो चाहता है लेकिन कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या स्थिति हो गई, वह व्यक्ति इतिहास नहीं जानता। क्लियर है? तो यानी जॉब के होते हुए अगर किसी के पास जॉब ना हो तो संरचनात्मक बेरोजगारी। क्लियर है? आइए दोस्तों एक और चीज देखते हैं इसमें। जैसे अगर बात की जाए कि विकसित देशों में बेरोजगारी की स्थिति क्या होती है, विकसित देशों में बेरोजगारी की स्थिति देखिए दोस्तों, विकसित देशों में दो मूल प्रकार होते हैं जो बेरोजगारी की स्थिति पाई जाती है प्रायः। एक होता है चक्रीय बेरोजगारी, दूसरा क्या है,
घर्षणात्मक बेरोजगारी यानी इसी को कहते हैं घर्षजनित, घर्षणात्मक बेरोजगारी। क्या है? एक है दोस्तों चक्रीय बेरोजगारी और एक है घर्षणात्मक बेरोजगारी। क्लियर है? देखिए दोस्तों क्या होता है चक्रीय बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी क्या होता है इसको देखते हैं। चक्रीय बेरोजगारी की बात करें तो यह क्या है, देखिए चक्रीय बेरोजगारी को अगर एक मैप से हम समझना चाहें तो देखिए दोस्तों इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, यह बेरोजगारी वस्तुओं और सेवाओं की मांग पर निर्भर होती है। मांग बढ़ती है तो इस बेरोजगारी में कमी आती है, मांग घटती है तो किसी वस्तु और सेवा के अगर मांग में कमी होती है तो यह बेरोजगारी बढ़ती है। कैसे बढ़ती है दोस्तों? अगर हम कह दें कि किसी वस्तु और सेवा की मांग गिर जाए, किसी वस्तु या सेवा की मांग गिर जाए और यह मांग गिर जाने से क्या होता है दोस्तों, मांग गिर जाने से उस वस्तु या सेवा के उत्पादन में कमी आएगा। कमी आएगा कि नहीं आएगा दोस्तों? अगर किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो कोई क्यों किसी चीज का उत्पादन करेगा? मान लीजिए यह इलेक्ट्रॉनिक पेन है, इस इलेक्ट्रॉनिक पेन की अब जरूरत नहीं है तो इसका उत्पादन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो इस कारण से जो उत्पादन में कार्य कर रहे लोग होंगे तो वह भी प्रभावित होंगे। तो ऐसी स्थिति को ही कहा जाता है कि अगर मांग में या सेवा, वस्तु और सेवा के मांग में कमी होती है तो इसके द्वारा जो उत्पन्न हुई बेरोजगारी है चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। दोस्तों यह बेरोजगारी एक स्थिति के बाद से फिर से उठती है और यह जिस पॉइंट से उठती है उस पॉइंट को मंदी कहा जाता है, यानी रिसेशन कहा जाता है। यह स्थिति रिसेशन यानी मंदी की होती है। और यह जब मांग बढ़ जाता है तो मांग बढ़ जाने से दोस्तों क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं की जब मांग बढ़ जाएगी तो यह बेरोजगारी कम हो जाएगी। यानी यह जो चक्रीय बेरोजगारी है अस्थाई स्वभाव का होता है, यह कुछ दिन ही रहता है, फिर इसके बाद यह बदलाव इसमें निश्चित होता है। क्लियर है? चक्रीय बेरोजगारी अस्थाई स्वभाव का होता है। और भारत में बेरोजगारी की स्थिति की बात करें, ग्रामीण स्तर हो चाहे शहरी स्तर हो, सबके सब अस्थाई स्वभाव के होते हैं दोस्तों। अस्थाई स्वभाव का मतलब यह होता है कि कोई बेरोजगारी जिसे आसानी से निपटा ना जा सके वह अस्थाई स्वभाव का है। चक्रीय बेरोजगारी आसानी से खत्म हो जाती है कुछ दिनों पर, जब उसमें मांग बढ़ जाए तो चक्रीय बेरोजगारी अपने आप क्या होती है, कम होने लगती है। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्या है दोस्तों। यहां पर एक घर्षणात्मक बेरोजगारी। अगर कहा जाए कि घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है, इसी को फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, यानी घर्षण जनित बेरोजगारी। यह स्थिति होती क्या है इसको समझते हैं दोस्तों। घर्षणात्मक बेरोजगारी में मूल रूप से मान लीजिए कोई कंपनी है, मान लीजिए यह टाटा कंपनी है और यह कोई दूसरी कंपनी है, मान लीजिए जियो कंपनी है। कोई व्यक्ति मान लीजिए यहां पर जॉब कर रहा है, टाटा कंपनी में जॉब कर रहा है और उस व्यक्ति को किसी कारणवश निकाल दिया जाए, टाटा कंपनी में कार्य कर रहे व्यक्ति को अगर मान लीजिए निकाल दिया जाए और इस निकालने की प्रक्रिया, यह जब यहां से निकाल दिया गया और इस स्थिति से इस कंपनी में जाने तक, कोई भी कंपनी हो सकती है दोस्तों, वहां पर अगर कोई कंपनी से कोई दूसरी कंपनी में जाता है, यानी एक काम छोड़ करके दूसरे काम पर जाता है कुछ समय के लिए, वह बेरोजगार होता है। वही बेरोजगारी घर्षणात्मक बेरोजगारी कही जाती है दोस्तों। यह स्थिति यह भी हो सकती है कि इस व्यक्ति को, जो भी ए नाम का व्यक्ति हो या बी नाम का व्यक्ति हो, उसको टाटा कंपनी की कार्य प्रणाली ना पसंद आ रहा हो या फिर जियो कंपनी उसको ज्यादा पेमेंट ऑफर कर रही हो। तो ऐसी स्थिति जब किसी व्यक्ति को, जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी को छोड़ करके दूसरी कंपनी में जाकर कोई काम करना शुरू करे तो इसके बीच में कुछ ना कुछ ड्यूरेशन ऐसा होता है जिसमें वह बेरोजगार होता है, तो वही बेरोजगारी घर्षण जनित बेरोजगारी कहलाती है।
आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं पीडीएफ के माध्यम से कुछ प्रश्न कैसे क्या है इससे रिलेटेड हमारे सुपर टेट में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखिए दोस्तों। अगर बात करें भारत में अधिकांशता बेरोजगारी है, अगर हमने अभी बात किया बेरोजगारी के बारे में तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे देखिए भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है तो कैसी बेरोजगारी है दोस्तों? संरचनात्मक बेरोजगारी हमने कहा कि संरचनात्मक बेरोजगारी भारत में, यानी भारत में अगर बात की जाए बेरोजगारी की, सर्वाधिक बेरोजगारी किसमें, किस तरीके की संरचनात्मक बेरोजगारी भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। क्लियर है? आइए दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड। छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य क्या है? जैसे बेरोजगार व्यक्तियों से, गृहिणियों में बेरोजगारी से, वर्ष से अधिक आय वाले व्यक्तियों में बेरोजगारी से, या फिर किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं अधिक व्यक्तियों का लगे रहना। मैंने उदाहरण देके बताया दोस्तों कि मान लीजिए कोई ये प्लॉट है और हमने एक उदाहरण देके अभी पीछे बताया कि अगर इसमें कोई 5+1 की बात कर दी हमने, कोई भी 2+1 या फिर कोई एक ऐसा व्यक्ति जुड़ जा रहे, या एक या दो या तीन ऐसा व्यक्ति जुड़ जाए जिसकी प्रोडक्टिविटी जीरो हो, मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो हो, सीमांत उत्पादकता जीरो हो, वह किसके अंतर्गत, हमारे छिपी बेरोजगारी के अंतर्गत उसको कहा जाएगा, छिपी अदृश्य एवं प्रक्षण बेरोजगारी के अंतर्गत। तो यह क्या कह रहा है क्वेश्चन कि किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं अधिक व्यक्तियों का लगे रहना, कम व्यक्ति कर सकते हैं और अधिक व्यक्तियों का लगे रहना ही इसका आंसर होगा दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट। प्रक्षण बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है कि लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार रहते हैं, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। देखिए दोस्तों हमने जो बताया कि इसमें मूल रूप से होता क्या है, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। हमने यही चीज तो कहा कि कोई कार्य को अगर कोई व्यक्ति कर रहा है उसमें कोई व्यक्ति जुड़ जाए, हमने उदाहरण देके यही चीज समझाई कि 5+1 और ये जो 1 व्यक्ति जुड़ रहा है, ए बी सी कोई भी व्यक्ति जुड़ रहा है, इसकी जो सीमांत उत्पादकता होती है वह 0 होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये क्लियर है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी का लक्षण है मुख्यतया कैसा लक्षण है, तृतीयक क्षेत्र का, द्वितीयक क्षेत्र का, प्राथमिक क्षेत्र का। हमने बताया छिपी बेरोजगारी किससे संबंधित है दोस्तों, तो ग्रामीण क्षेत्रों से यानी खेती से, और खेती के ज्यादातर कार्य किस क्षेत्र में आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में। तो इसका किससे संबंध है दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र से। भारत में प्रक्षण बेरोजगारी पाई जाती है कैसी, किस क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में। तो बताइए दोस्तों किसमें, कृषि के क्षेत्र में हमारे यहां प्रक्षण बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। क्लियर है? आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर। धन्यवाद। जय हिंद।